नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 का पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन ए का फार्मूला, सीकेंट ए का फार्मूला और टैन ए का फार्मूला आपने इस प्रकार से दिखाना है कि उसमें सिर्फ कॉट ए दिखे और कुछ ना दिखे। ठीक है बच्चों, आइए इसको करके देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है साइन ए। बच्चों हमें पता है कि साइन ए का जो फार्मूला होता है वह होता है 1 अपॉन कोसेकेंट ए, है ना बच्चों? साइन होता है 1 अपॉन कोसेकेंट ए के बराबर। अब बच्चों हमने इस प्रश्नावली से पहले अपने पिछले वीडियो में 3 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण की थी। साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए बराबर 1, 1 प्लस टैन स्क्वेयर ए बराबर सीकेंट स्क्वेयर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए बराबर कोसेकेंट स्क्वेयर ए। अब आप ध्यान से देखिए, साइन ए को पहले लिखा 1 अपॉन कोसेकेंट ए, कोसेकेंट ए से अभी कॉट ए लेकर आना है, तो ये वाली सरल समीकरण, क्योंकि इसमें कोसेकेंट भी है और कॉट भी है, चाहे स्क्वेयर में है कोई बात नहीं, लेकिन कोसेकेंट भी है इसमें और कॉट भी है, तो कोसेकेंट से हमने कॉट बनाना है, इसलिए यह वाली सरल समीकरण यूज होगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेकेंट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोसेकेंट स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, तो यहां से कोसेकेंट ही किसके बराबर होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूट के बराबर, है ना बच्चों? इसीलिए हम 1 अपॉन कोसेकेंट ए की जगह में लिख दूंगा रूट, कोसेकेंट ए की जगह लिख दूंगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखा आपने, हमने क्या किया, प्रश्न क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। तो अभी मैंने सिर्फ साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। कैसे? साइन ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए के फार्मूले में सिर्फ कॉट दिखाई दे रहा है और सीकेंट को सीकेंट टैन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसी प्रकार से मुझे सीकेंट ए को भी बदलना है और टैन ए को भी बदलना है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा है अपनी सीकेंट और टैन, सीकेंट और कॉट। देखो सीकेंट वाला ये सरल समीकरण है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए, तो मैं इसको लिखता हूं सीकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। यही है ना बेटा हमारी सरल समीकरण, सीकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर। अब यहां से बच्चों सीकेंट ए, अभी ये सीकेंट स्क्वायर है, अब सीकेंट ए किसके बराबर होगा? सीकेंट स्क्वायर ए इसके बराबर है, तो सीकेंट ए किसके बराबर होगा? इस पूरी के रूट के बराबर, रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के बराबर। और बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारा रफ वर्क है, इस तरफ ध्यान से देखिए, 1 प्लस बच्चों टैन स्क्वायर ए, हमने क्या किया है इसको, हमने करना क्या है इसको, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो ये तो 1 ही है, टैन का कॉट बनाना है तो कैसे बनेगा, टैन का उल्टा होता है कॉट, यानी टैन स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, और यदि हम इन दोनों का लघुत्तम ले ले, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और कॉट स्क्वायर का ये पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, 1 और कॉट स्क्वायर का लघुत्तम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ऊपर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए को 1 से भाग किया कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को ऊपर 1 से गुना किया कॉट स्क्वायर ए, बीच में है प्लस तो प्लस, कॉट स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए से भाग किया 1, 1 को ऊपर 1 से गुना कर दिया तो 1। तो देखो बच्चों सीकेंट ए बराबर है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए का रूट। तो हमने क्या किया, सीकेंट ए को
कॉट के पदों के रूप में व्यक्त कर दिया। सबसे पहले साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त किया, अब सीकेंट ए को कॉट के पदों में, सिर्फ इसमें कॉट है और कुछ नहीं है, कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार तीसरा है टैन ए, टैन ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ये बहुत आसान है, देखिए टैन ए किसके बराबर होता है, टैन ए होता है कॉट का उल्टा यानी व्युत्क्रम, यानी 1/cot A। तो ये तो ये मुश्किल था थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मुश्किल था, ये बिल्कुल ही आसान है। टैन ए बराबर 1/cot A, तो टैन ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। तो बच्चों यही हमारा प्रश्न था कि साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए को, देखिए साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करो। यहां पर भी सिर्फ कॉट है, यहां पर भी सिर्फ कॉट ही है, और यहां पर भी सिर्फ कॉट ए ही है। तो इस प्रकार से हमने साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार से बच्चों आपको कोई भी प्रश्न आ सकता है कि सीकेंट ए को, टैन ए को या कोसीकेंट ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करो, तो ये तरीका है उसको करने का। और इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, जो हमने तीन त्रिकोणमितीय सरल समीकरणें ये पढ़ी हैं, इन्हें अच्छे से आपको स्मरण करना होगा, याद करना होगा। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।